एवरीवन, वेलकम टू नीतूज किचन स्टोरीज। और मैं हूँ नीतू। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी अमृतसरी कोफ्ते। ये मूली के कोफ्ते होते हैं, तो देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए मैंने ली है एक मूली। इसको अच्छे से छील के धो के कद्दूकस किया है। एक बड़ा प्याज, इसको कद्दूकस किया है। दो छोटे टमाटर, उसको भी कद्दूकस किया है। ये है 15 से 20 कलियां लहसुन, 1 inch अदरक एंड 2 हरी मिर्च। तो आप फाइनली चॉप कर लीजिए या मिक्सी में दरदरा पेस्ट बना लीजिए या हमाम दस्ते में कूट लीजिए। 1/4 टीस्पून अजवाइन, कैरम सीड्स, हरा धनिया। ये है 3 टेबलस्पून ड्राई रोस्ट किया हुआ बेसन। ड्राई रोस्ट कैसे करना है, इसकी रेसिपी मैंने अपनी एक वीडियो ढाबा स्टाइल दम अरबी में बताया है। आप अगर चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इसको पैन में बेसन लेके ड्राई रोस्ट करना है बिना घी तेल डाले। ये है 3 टेबलस्पून दही, सॉल्ट टू टेस्ट और कुछ पाउडर्ड मसाले। और तेल लेंगे कोफ्ते तलने के लिए और ग्रेवी बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं 1 टीस्पून मूली में डाल रही हूँ। इससे इसका जो एक्सेस पानी है, मूली बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, वो निकल जाएगा और इसको हम छोड़ देंगे 15 टू 20 मिनट्स के लिए। इसको अच्छे से नमक के साथ मिक्स कर देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पानी निकला है, कितना पानी निकला है। 10-15 मिनट हो गए हैं हमें मूली में नमक डाले हुए। अब देखते हैं कितना पानी निकला है। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है। इसको ऐसे स्क्वीज करके, थोड़ी थोड़ी मूली लीजिए, स्क्वीज करके पानी निकाल लीजिए। में देखिए इतना पानी निकला है और हमारी मूली यहां है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। इसमें अब हम डाल देंगे भुना हुआ बेसन, अजवाइन, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्ची, हरा धनिया, पिंच हल्दी, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना देंगे। ये मैंने बॉल्स बना दिए हैं मूली के। अब हम इसको फ्राई करेंगे।
ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। इतने गोल्डन ब्राउन हो जाएं, एकदम अच्छे से इनको निकाल लेंगे। मैं इसको सिम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। गोल्डन ब्राउन होते जाएं आप निकाल लीजिए। और अब ग्रेवी बनाएंगे। मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल को मैं गरम कर रही हूँ। जैसे ही तेल गरम होगा मैं इसमें डाल दूंगी कद्दूकस किया हुआ प्याज और इसको अच्छे से भूनेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और मिर्ची 2 टेबलस्पून और इसको भी भूनेंगे। इसको कंबाइन करने के लिए हल्का सा पानी डाल देंगे। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और इसको भी अब हम भूनेंगे। 5 मिनट हो गए हैं टमाटर को भूनते हुए, थोड़ा सा और भूनेंगे और फिर मसाले डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून देगी मिर्च, 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और इसको मिक्स करें। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। गैस को एकदम सिम कर दीजिए और विस्क की हुई दही अब हम डाल देंगे ग्रेवी और इसको स्टर करते रहिए, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। गैस ऑन है और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया और सिम पे ढक के इसको 5-7 मिनट पकाएंगे। ये देखिए 5-7 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी ऐसे दिख रही है। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। और कोफ्तों को ग्रेवी के साथ पकाएंगे। बस 1-2 मिनट पका के हम इसको सर्व करेंगे। अब चलिए अमृतसरी कोफ्तों को सर्व करते हैं। अमृतसरी कोफ्ते, क्या मिसिंग है बताइए। यस, हरा